ख्वातीनों हजरात, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ हैरान कुन फैक्ट्स के मुतल्लिक आगाह करेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं जापान में इंसानी स्पर्म्स को बाकायदा ख़रीदा जाता है? बहुत सारी लैब्स मौजूद हैं जो इंसानी स्पर्म को ख़रीद कर इनसे बच्चे पैदा करने वाले इंजेक्शन तैयार करती हैं। ये इंजेक्शंस उन फीमेल्स में इंसर्ट किए जाते हैं जिनके हस्बैंड्स में कोई बायोलॉजिकल फॉल्ट होता है। इसी तरह जिन फीमेल्स के एग में बायोलॉजिकल फॉल्ट होता है उनके लिए फीमेल्स एग्स भी बाकायदा परचेज किए जाते हैं। जापान में हर साल 15 मार्च को पीनिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। जापानी लोगों के मुताबिक चूंकि इंसानी हयात की बुनियादी वजह पीनिस है, इसलिए वो इसकी सेफ्टी के लिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। जापान में लोग सबसे ज़्यादा देर से मरते हैं, यहाँ पे औसत उम्र 81 साल है। जापान में अगर ट्रेन 10 मिनट लेट हो जाए तो अमला हर एक मुसाफिर से अलग अलग माफ़ी मांगता है। जापान अपनी प्रोडक्ट्स की ना तो गारंटी देता है ना इनसे मुतलक इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जापानी प्रोडक्ट्स दुनिया की तमाम प्रोडक्ट्स से ज़्यादा पायदार होती हैं। जापान वो वाहिद मुल्क है जहाँ जलजले का आ जाना मामूली सी बात समझी जाती है। यहाँ हर साल करीबन 1500 के करीब जलजले आते हैं। नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।